गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हमारे घर हमारे भाई लोग आ रहे हैं, क्योंकि शादी भी नज़दीक आ गई है ना। तो हम लोग जाएंगे भाई के साथ और अपने पति जी के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए। जो भी कुछ लेंगे हम आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एह वाओ स्किन साइंस का कोकोनट वाटर फुल क्रीम। ये आप लोग देख सकते हो, इसके जो पैकेजिंग है ना, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। तो आपको कुछ इस तरह से ओपन करना है, ये देखो। और यहाँ पे भी आपको एक रबर टाइप में मिल जाएगा, तो इसे आपको निकालना है। उसके बाद ही इस क्रीम को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये देखो, ये छोटा सा रबर है। तो इसके बाद आपको अपने फेस पे लगा लेना है। तो दोस्तों, अगर आपके फेस पे जो है दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, तो इस क्रीम को लगाने से आपके जो फेस पे दाग धब्बे है ना, उसे खत्म करने में मदद करता है। वाओ एक इंडियन ब्रांड है और वाओ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस क्रीम को लगाने से पहले आप अपने फेस पे टोनर या फिर सीरम यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लेना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये है कोकोनट ऑयल एंड प्योर विटामिन बी यस। तो दोस्तों, इसमें आपको मिल जाएगा 50 मिली, ठीक है। आ रहे हैं भाई की शादी की शॉपिंग करने के लिए, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग जो है चाय नाश्ता करके निकल चुके हैं। इस टाइम आप लोग देख रहे हो ना, हम लोग जो है रास्ते पे हैं। तो ये हैं हमारे दोनों भाई, हमारे दोनों भाई से मिल लीजिए सब लोग। तो जैसे बाहर की चीज़ें लोग जो है नहीं खा रहे हैं कोविड की वजह से। कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार, सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए लोग बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोविड जो है ख़त्म हो जाएगा तो बाहर की चीज़ें खाना प्लीज़ इस टाइम अभी मत खाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, और वीडियो पसंद आने वाला है एक लाइक ज़रूर कर देना। भाई की शादी है ना, तो जो हमारे बगल में बैठे हैं ये हमारे भैया, इनकी शादी है। तो इनकी शादी की शॉपिंग करने के लिए हम हैं, हमारे दोनों भाई हैं, हमारे देवर जी हैं, हमारे पति हैं, जाह्नवी हैं, सब लोग जा रहे हैं लेने। और बच्चों का भी ड्रेस लेना है, वैसे कोशिश करेंगे आप लोग के साथ शेयर करने का, जितना हो सकेगा हमसे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और जो भी आपको पसंद आए, देखने में अच्छा लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लोग भी बताना, ठीक है, क्योंकि बच्चों का भी ड्रेस लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हो। तो गाड़ी को पार्क कर देते हैं, हमारे पति जी ही चला रहे हैं, तो गाड़ी जो है साइड में लगा देते हैं। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं जो है कपड़ा लेने। तो दोस्तों चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मैं दोबारा बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है भूलना मत, और जो हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं, वो हमारे चैनल पे हमेशा आते हैं, उनके लिए आराध्या आप लोगों से दिल से धन्यवाद करती हैं दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी है ना, तो मैं क्या करूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोग भी हमारे साथ चलिए हमारे भाई की शादी की शॉपिंग करने के लिए हमारे साथ। जो भी चीज़ें आपको भी पसंद आए आप मुझे बताना, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे हेल्प भी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलो हमारे साथ आप लोग भी, ये देखो हम पहुंच गए हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है।
दोस्तों इसके बाद बारी आ जाती है बच्चों का ड्रेस का। तो इसमें से हम 6 बच्चों के लिए ड्रेस लेंगे। तो एक बार मैंने बोला कि गाउन दिखा दो, तो गाउन दिखाए, बोले कि इसके लिए लेना है। हमने जब बताया कि जाह्नवी के लिए, तो भैया ने बोला कि बेटा अभी जो है जाह्नवी आपकी बहुत ज़्यादा छोटी है, कम से कम इनको 6 साल होने दो, उसके बाद जो है गाउन पहनाओगी ना तो अच्छा लगे, क्योंकि अभी बहुत छोटी हैं, गाउन पहनेंगी तो चल नहीं पाएंगी, कैसे संभालेंगी। और इनके पापा भी बोले कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, तो इसलिए हम जाह्नवी को जो है दूसरा ड्रेस ले लिए हैं। तो दोस्तों चलो आप लोग भी ध्यान से देखिए आप लोग को कौन सा ड्रेस पसंद है। दोस्तों हम सबकी ख़रीदारी हो चुकी है और अब हम लोग जो है घर जा रहे हैं। तो चलो आप लोगों को घर चल के दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। तो अगर आप लोगों को मैं ठीक से ना दिखा पाऊँ तो जब मेरा भाई शादी में पहनेगा तब आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी वैसे आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ क्योंकि भाई को घर भी जाना है और लेट हो रहा है उनको, क्योंकि मेरा जो भाई है बहुत सारा काम है। आप लोग को पता ही है कि शादी का घर है, तो शादी के घर में जो बहुत सारे काम होते हैं तो भाई लोगों को ही करना है। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं, ये देखो यही है सारा कपड़ा जो हमने जो है ख़रीदारी की है भाई की शादी की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारा वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों हमें जो शेरवानी है मेरे भाई की वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, सच में यार, ये आप लोग देख सकते हो इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा है। तो अब जब भाई शादी में अपने पहनेगा तो ही आप लोग को क्लीन दिखेगा, क्योंकि ऐसे कम दिख रहा है ना। तो चलो दोस्तों अब हम अपने भाई को देते हैं चाय नाश्ता, और यह मेरे भाई के लिए कोट जो क्या बोलते हैं, हाँ खिचड़ी पे पहनेगा मेरा भाई सुबह के टाइम। तो दोस्तों चाय पी लें, उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे भाई लोग घर जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों हमारे चैनल पे अब अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि हमारे भाई की शादी आ गई है और हम जा रहे हैं अपने मायके, 2 ही दिन बचे हैं जाने का। भाई की शादी की जो है तैयारियां कर ली हैं, यानी हमारे भाई जो शादी में पहनने वाले हैं शेरवानी, चल रहे हैं अब ड्रेस को चेंज करने। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना, बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। चलिए ड्रेस को चेंज करें और काम भी करना है, खाना बनाना है, ठीक है, बाय।